गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2024 में जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्म भरने से पहले कृपया ये देख लीजिए किस आरआरबी में किस लेवल पर कितनी कट ऑफ गई थी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो सेफ़ जोन है, हम जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो हमारा सेफ़ जोन है या नहीं। तो इसके बारे में फुल डिटेल में लेकर आया हूँ। तो इसमें आरआरबी मुंबई और आरआरबी सिकंदराबाद की बात करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल की अलग अलग कट ऑफ है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं दो दो आरआरबी करके आपके लिए लेवल वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। कृपया, और इससे पहले मैं दो आरआरबी की बता चुका हूँ, कृपया डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं ये वीडियो। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आरआरबी मुंबई के लेवल थ्री में क्या कट ऑफ रही थी। लेवल थ्री की जो कट ऑफ रही थी वो इसमें आपको दिख रहा होगा, यूआर की कट ऑफ 75.23, एससी की कट ऑफ 62.88 और एसटी की कट ऑफ 59.71, ओबीसी की कट ऑफ 69.45 और इसी तरह आगे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की 61.119, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही थी वो ये आप देख सकते हैं इसमें, यूआर की इतनी, एससी की इतनी, एसटी का कोई बंदा नहीं मिला था, ओबीसी की ये कट ऑफ गई थी। और अब आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हो तो कृपया पीडीएफ में दिखा दे रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिए किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी। आप इसको नोट कर सकते हैं, जिससे कि सभी आरआरबी की पता चल जाएगी, तो हमें जोन चूज करने में आसानी होगी। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं लेवल फाइव की, जो आरआरबी मुंबई है उसका लेवल फाइव की जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। यूआर की कट ऑफ 67.34, एससी की कट ऑफ 57.12 और एसटी की कट ऑफ 46.89 और ओबीसी की कट ऑफ 61.27 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 49.03। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन में जो यूआर की कट ऑफ थी वो 40.24, एससी की 35.58, एसटी का कोई स्टूडेंट नहीं मिला था और ओबीसी की 30.68, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं था। और अब आप अगर इसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लेवल नंबर सिक्स, ठीक है। लेवल नंबर सिक्स में आप देख लीजिए, इसमें जो यूआर की कट ऑफ थी वो 82.89, एससी की 70.98, एसटी की 68.5, ओबीसी की 77.95, ईडब्ल्यूएस की 75.67, ठीक है। और इसी तरह से एक्स सर्विसमैन की आपको ये दिख रहा होगा, यूआर की 40, एससी की 30, एसटी की 32, ओबीसी की 30, ईडब्ल्यूएस की 41, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें से किसी कैटेगरी में हो तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपके लिए सब दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं, ये लेवल सिक्स था, अगले लेवल की बात करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेवल टू की, लेवल टू की किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यूआर की कट ऑफ गई थी 63.82, एससी की कट ऑफ 56.44, एसटी की कट ऑफ 48.40, ओबीसी की कट ऑफ 60.56, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 47.4। इसी तरह से आप एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिला था, और इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये जो कैटेगरी है इनमें इतनी कट ऑफ गई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद की कट ऑफ क्या रही थी। जो आरआरबी सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है एनटीपीसी की, वो लेवल सिक्स में जो यूआर की कट ऑफ थी वो 79.27 और यूआर की कट ऑफ लेवल फाइव में 68.26 और लेवल थ्री में यूआर की कट ऑफ 69.39 और लेवल टू की बात करें तो 65.41, ठीक है। इसी तरह से हम एससी की बात करें तो लेवल सिक्स में 66.9, लेवल फाइव में 58.16, लेवल थ्री में 57.84 और लेवल टू में 57.10। इसी तरह से एसटी की बात करें तो हम लेवल सिक्स में 63.49, लेवल फाइव में 53.75, लेवल थ्री में 53.32 और लेवल टू में 52.16। और ई ओबीसी की बात करें हम, इसमें आप ये देख रहे हैं ओबीसी की बात करें तो
74.72, लेवल फाइव में 64.3, लेवल थ्री में 64.08 और लेवल टू में 63.75। इसी तरह से हम AWS की बात करते हैं, 70 कट ऑफ गई थी लेवल सिक्स में, लेवल फाइव में 58.47, लेवल थ्री में 56.82 और लेवल टू की बात करें तो 55.63। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें देख लीजिए एक्स सर्विसमैन में UR की कट ऑफ ये रही, SC की ये रही, ST की ये रही, OVC की ये रही और AWS की ये रही। ठीक है, अलग अलग लेवल की अलग अलग कट ऑफ गई हैं और यहाँ पर ये जो ब्लैंक है इसका मतलब यहाँ कैंडिडेट नहीं मिले हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से और इसमें से किसी कैटेगरी में आते हो तो इसमें से ये देख लीजिए, मैं आपको पूरा PDF दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इससे आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी कि किस RRB की कितनी कट ऑफ गई थी, किस लेवल की। इससे क्या है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर अप्लाई कीजिए कि जो हमारा जो सेफ जोन है उसको आप नोट करते जाइए किस लेवल पर किस RRB में कितनी कट ऑफ गई थी, तो सेफ जोन में ही कृपया आप अप्लाई करें। इससे क्या होगा, सिलेक्शन पक्का हो रहेगा आपका। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दें।